नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोग्रेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 10 जून 2020 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की, जिनसे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देख लेते हैं सबसे पहले हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। कल मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस देश के मशहूर जिमनास्ट कुर्ट थॉमस का निधन हो गया है। तो जो कुर्ट थॉमस थे, इनका जो संबंध था वो अमेरिका देश से रहा है और ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता हुआ है 1978 में, ठीक है, और 1989 में इन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीते थे जो कि एक रिकॉर्ड था, और तब से लेके किसी ने इनकी कोई बराबरी नहीं की। और फिर 2018 में इनकी चैम्पियनशिप, विश्व चैम्पियनशिप जो हुई, उसमें सिमोन बाइल्स ने इनकी बराबरी की थी। और ये काफ़ी काफ़ी फेमस जिमनास्ट रहे हैं अमेरिका के, तो आपको याद रखना है ये किस देश के हैं, अमेरिका देश से इनका संबंध है, ठीक है। निम्न में से किसे उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। तो अभी हाल ही में भराड़ी शहर, या फिर जिसको गैरसैंण भी कहा जाता है, इसको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। चलिए डिटेल देख लेते हैं इसकी। भराड़ी शहर या गैरसैंण को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। और अभी अभी जो यहाँ की राज्यपाल है उत्तराखंड की, क्या नाम है उनका, बेबी रानी मौर्य, इन्होंने इसकी अभी अनुमति दी है, ओके। और इसकी मांग जो है पिछले 2 दशकों से चल रही थी, 2 दशकों से भी अधिक, मतलब 20 साल से ज़्यादा से इसकी मांग चल रही थी। और 4 मार्च 2020 को जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे क्या की, घोषणा कर दी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो की यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है, हर साल 8 जून को मनाया जाता है। देखिए क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके आधिकारिक मान्यता के बाद 2009 से इसे हर साल मनाया जा रहा है 8 जून को, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य होता है महासागरों के महत्व और उनकी वजह से जो आने वाली जो चुनौतियां हैं उनके बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना, लोगों को जागरूक बनाना। जैसे प्लास्टिक वगैरह का जो डिस्पोजल होता है महासागर में, ओशियंस में, तो क्या हो रहा है, बहुत सारे समुद्री जंतु हैं, जो जीव जंतु हैं वो मर रहे हैं और ये इन्फेक्ट कर रहा है उनको। अब उससे क्या हो रहा है, उससे जो है लाइफ साइकिल है वो थोड़ा सा, लाइफ चेन है जो, लाइफ साइकिल है वो बर्बाद हो रही है। और इसके एडवर्स इफेक्ट इनके बारे में समझाया जाता है। और इस वर्ष की जो विश्व महासागर दिवस की थीम है, वर्ल्ड ओशियन डे की जो थीम है वो है क्या, एक सतत महासागर के लिए नवाचार, हिंदी में यानी इंग्लिश में हम बात करें तो इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन, ठीक है ना। तो इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन ये इस बार की थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगली न्यूज को। विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि देखिए 2020 में इसको होना था लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये कि कोविड-19 महामारी कारण ये 2020 में रद्द हो गया। उसके बाद इसका आयोजन होना कहाँ था, अमेरिका के यांगटन में, अमेरिका की यांगटन में इसको, इसका आयोजन होना था लेकिन अब कोविड-19 महामारी कारण इसे रद्द कर दिया गया है। और जो 2021 का शेड्यूल है, जो वर्ल्ड आर्चरी है, इसका जो 2021 का शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी है। तो इसने क्या किया है, जो 2020 का ये जो वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैंपियनशिप है इसको स्थगित कहाँ किया है, 2022 तक के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। हाल ही में किस संगठन ने भारत में नवाचार को बढ़ाने के लिए, मतलब इनोवेशन को बढ़ाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है। तो अभी हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको इंग्लिश में हम CSIR कहते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया है, अटल इनोवेशन मिशन AIM जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसके साथ भागीदारी की है।
अब AIM का जो फुल काम क्या है, ये प्रमुख पहल है जो देश में क्या कर रहा है, इनोवेशन और उद्यमिता की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दे रहा है। इसके तहत स्कूल में नए लैब खोली जा रही हैं, अटल टिंकरिंग लैब करके, और बहुत सारी चीज़ें इनोवेशन के लिए की जा रही हैं। अब बात यहाँ पे हुई है देखिए CSIR की, तो CSIR के बारे में जान लेते हैं। CSIR का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यदि हिंदी में इसका नाम देखें तो क्या होता है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी सन 1942 में। वर्तमान में इसके महानिदेशक शेखर मांडे हैं और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। हाल ही में किसने पृथक परिवहन से मतलब आइसोलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सॉरी, के लिए एक स्वदेशी एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड अर्पित का विकास किया है। तो देखिए जो स्वदेशी एयरबॉर्न का जो विकास किया वो भारतीय वायुसेना ने किया है। किसने किया है, भारतीय वायुसेना ने किया है और ये बिल्कुल स्वदेशी है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर रहने की जो प्रेरणा दी है उसी से प्रेरित होके ये जो रेस्क्यू पॉड आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रेस्क्यू पॉड निर्मित किया गया उसका पूरा नाम है क्या, एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इसके जो इनिशियल टर्म है उसको जोड़ के ये क्या बन गया, अर्पित इसका नाम हो गया। ठीक है, तो वायुसेना ने इसको बनाया है और इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में या आइसोलेटेड स्थानों पर, दूर दराज के इलाकों से COVID-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को निकालने के लिए। देखो क्या होता है, जो संक्रमित रोगी होते हैं उनको जब कहीं ले जाया जाता है तो आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही ले जाया जाता है। देखो जिस तरीके से ये बंद बॉक्स है, ठीक है, यदि खुले में उनको ले जाएंगे तो फिर संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा और जो लोग उनको ले जा रहे हैं, जो सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मी उनको ले जा रहे हैं वो भी संक्रमित हो सकते हैं। अब देखिए इसको जो है स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है, तो इसकी जो लागत है मात्र 60,000 रुपये है, और जबकि जो हम विदेश से जिनको हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, उनकी लागत 60 लाख रुपये तक होती है, तो मतलब 100 गुने का फर्क है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम क्या कहते हैं, मनरेगा कहते हैं, तो इसके तहत अब तक का सर्वाधिक वित्त आवंटन किया गया है यह कितना है। तो अभी तक का जो सर्वाधिक आवंटन किया गया है वो 1,15,00,000 करोड़, 1,15,00,000 करोड़ है। ठीक है, ये आवंटन अभी फिलहाल किया गया है। इससे होगा क्या, इससे जो श्रमिक हैं, मजदूर वर्ग है, इसको काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो पीड़ित वर्ग है, जो लॉकडाउन की चपेट में आया है COVID-19 महामारी कारण, जिनका रोजगार छिन गया है और डेली वेजेस के वर्कर्स हैं क्या, देखिए वो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, ऐसे में उनको काम कोई मिला नहीं है, तो सरकार मनरेगा के द्वारा उनको पैसे आवंटित कर रही है, उनको काम दिलाया जा रहा है साथ ही साथ। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, 1,15,00,000 करोड़ का जो आवंटन यहाँ पे किया गया है। इसके पहले जो है ना, इस कार्यक्रम के तहत 31,493 करोड़ की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है, ठीक है, और जो कि वर्तमान बजट के अनुमान की कितना है, 50% से अधिक है। अब इसमें होगा क्या, इस कार्यक्रम के जरिए देखो अभी तक 60.8 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे 6.69 करोड़ व्यक्तियों को अभी तक काम मिल चुका है, तो काफ़ी अच्छा काम ये चल रहा है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। निम्न में ऐसी किस संस्थान ने AI आधारित, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित COVID-19 परीक्षण किट का विकास किया है। तो अभी हाल ही में IIT हैदराबाद ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित COVID-19 परीक्षण किट का विकास किया है। अब ये किट करेगी क्या, देखो सबसे पहली बात तो ये है, ये जो किट का जो विकास किया है इसकी लागत केवल 600 रुपये है। क्या है,
इसकी लागत केवल 600 रुपये है, और इसके पहले जो अभी टेस्टिंग हो रही थी उसकी जो लागत होती थी 4,500 से 6,000 रुपये तक होती थी। इस कारण से क्या होता था, जो एक कमज़ोर वर्ग है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, वो तो टेस्ट कराते ही नहीं थे, ठीक है। तो अब जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो संचालित किट है, लगभग क्या है इसकी सबसे बात तो ये कि सबसे कम टाइम में 20 मिनट में ये परिणाम दे देती है। और इस परीक्षण का प्रमुख लाभ ये भी है कि इसके लिए जो RT-PCR है ना, ठीक है ना, इसकी भी आवश्यकता नहीं होती, एक टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो इसका शायद फुल फॉर्म होता है रियल टाइम पॉलीमरेज केस रिएक्शन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, विभिन्न अंगों से सैंपल लिए जाते हैं जिसको टेस्ट किया जाता है, तो इस टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती RT-PCR की। इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको अभी विकसित किया गया है, तो ये सस्ता है, कम समय में टेस्ट दे रहा है, ये अच्छी बात है, ठीक है। और इसको विकसित किया किसने, IIT हैदराबाद ने। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने हाल ही में एक ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो हाल ही में अभी आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन एक वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको लॉन्च किया है। अब इसने क्या किया है, इसकी जो जिम्मेदारी है ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट की, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ये दी है आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, APEMC, आंध्र प्रदेश एनवायरमेंटल मैनेजमेंट काउंसिल, ठीक है, या कमीशन। तो APEMC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या करेगा, उद्योगों से जो किया जाने वाला कचरा है उसको सुव्यवस्थित करेगा। सुव्यवस्थित मतलब उसकी श्रेणी रहेगी खतरनाक, गैर खतरनाक, मतलब जो खतरनाक नहीं है, और जो या ई कचरा, तो इसको सुव्यवस्थित किया जाएगा, और इसका जो निपटान केंद्र रहेगा, जो डिस्पोजल सेंटर रहेगा, वहाँ तक उसको ले जाया जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्लासिफाई किया जाएगा, तो एक अच्छी व्यवस्था है, जिससे क्या होगा पर्यावरण में हमारा स्थान जो है, पर्यावरण प्रदर्शन है वो सुधरेगा। हमने कल ही मैंने आपको बताया था EPI रैंकिंग जो है वो हमारी विश्व पर्यावरण जो सूचकांक है उसमें 180 देशों में से 168वीं रैंक हमारे देश की है। तो इस तरीके के जो इनिशिएटिव हैं यदि हर राज्य सरकार लेगी तो अल्टीमेटली पूरे भारत का जो है पर्यावरण सुधरेगा। और COVID-19 के कारण एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है वो क्या हुआ है, वो हमारा पर्यावरण पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, हमारा जो प्रकृति है उसने अपने आप को संवारा है। चलिए, तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। हाल ही में नाबार्ड ने किस बैंक को 270 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। तो अभी हाल ही में नाबार्ड ने, ठीक है, नाबार्ड ने क्या किया है, असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। अभी क्यों किए हैं, चलिए डिटेल देख लेते हैं। तो COVID-19 महामारी के मद्देनज़र जो है, जो नाबार्ड है, नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको याद रखना क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये क्या करता है, सहकारी बैंकों को पैसा देता है ताकि जो कृषि कार्य हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें, उनमें कोई बाधा ना आए। तो उसने 270 करोड़ रुपए की मदद दी है असम ग्रामीण विकास बैंक को। अब ये क्या है, जो किसानों के ऋण का जो है निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको दिया है वर्ष 2020-21 के लिए, ओके। और 2020-21 के लिए अभी तक जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और जो माइक्रो फाइनेंस संस्थान, इनको 25,000 करोड़ रुपए की सहायता अब तक प्रदान की गई है नाबार्ड के द्वारा। काफ़ी बड़ा अमाउंट है, जो कि अब यदि हम नाबार्ड की बात करें तो फुल फॉर्म मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, इसका मुख्यालय मुंबई में है, और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वो हर्ष कुमार भानवाला हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। निम्नलिखित में से किसने UNADAP द्वारा गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु की जो एम नीथरा है, 13 वर्ष की जो लड़की है, इसको क्या किया गया है, UNADAP का जो है गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत घोषित किया गया है। देखते हैं, देख क्या हुआ है कि अभी COVID-19 के चलते काफ़ी गरीब लोग परेशान थे, तो ऐसे में ये जो तमिलनाडु की एम नीथरा है, इन्होंने क्या किया था, इनके पिताजी ने इनकी पढ़ाई के लिए जो 5 लाख रुपए जमा करके रखे थे, तो इन्होंने अपने पिताजी को मनाया था कि वो जो राशि है, वो जो अमाउंट है, वो गरीबों की सहायता में लगा दीजिए आप, ठीक है।
तो इसको अप्रिशिएट किया है किसने? यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति संघ है। इस तरीके से इन्होंने क्या किया है, इसको रिकॉग्नाइज किया है। और इन्होंने क्या कहा है कि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, इस लड़की को क्या करेगा, न्यूयॉर्क और जिनेवा में जो संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन है उसमें आगामी सम्मेलनों में जो सोसाइटी मंच है वहाँ से संबोधित करने का अवसर प्रदान करेगा। मतलब ये अपनी बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रख पाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारी आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को। हाल ही में चिरंजीवी सरजा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो आपको बताना है हाल ही में एक जो चिरंजीवी सरजा है उनका निधन हुआ है वो कौन थे? अभिनेता थे, गीतकार थे, पत्रकार थे या खिलाड़ी थे? और एक बार मैं फिर आपको बता दूं, आज की इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल प्रोग्रेस एकेडमी पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।